दूर। हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका मीना, मेरे यूट्यूब चैनल आपकी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं पोटैटो फिंगर्स और ऑनियन रिंग्स। इनकी सामग्री सेम है, इसलिए मैं इन दोनों स्नैक्स को मैं आपको एक साथ ही बता रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत डिलीशियस होते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता देती हूँ। ये मैंने लिया है चिली पेस्ट, ये है नमक, ये है चावल का आटा, ये है मैदा, ये है ब्रेड क्रम्स, ये है आलू, ये है प्याज, ये मैंने मसाला तैयार किया है जीरा वन, चाट मसाला और लाल मिर्च से एक एक चम्मच मैंने तीनों चीज़ें ली हैं। ये है काली मिर्च पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर और ये है हरा धनिया और तलने के लिए तेल। अब हम इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे मैदे का और चावल के आटे का, वो आप देख लीजिए। हमने लिया ये 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें जाएगी स्वाद अनुसार काली मिर्ची, स्वाद अनुसार ही लाल मिर्ची, ये हरे धनिया की पत्ती और ये है 1 चम्मच 2 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। ये आप घर में भी बना सकते हैं, रेडीमेड भी मार्केट से ला सकते हैं। इसे हम पानी डाल के थोड़ा सा घोलेंगे। अब हम पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है हमने। पेस्ट ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा ढीला पतला, ये ऐसा पेस्ट बनना चाहिए। अब इस पेस्ट में हम अपनी ऑनियन रिंग्स को डालेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लेते हैं, ये हमारे, हमें इसको अच्छे से कोट करना है। इसको निकाल के इसको आपको हाथ से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से इसको कोट करके आपको इसमें अच्छे से लपेटना है। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो गई। हम दूसरा भी ऐसे तैयार कर लेंगे। अब हम आलू के फिंगर्स को भी डाल लेंगे। इन्हें भी हमें ऐसे ही करना है, इसमें कोट करना है और ब्रेड क्रम में लपेटना है। ये आप बनाकर इकट्ठा रख के इसको पहले फ्रीजर में रख दे। फ्रीजर में रखने के बाद अगर आप इसको तलेंगे तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनेंगे। प्याज के रिंग और ये आलू के फ्राइज अपने बना के तैयार करके रख लिया। अब हमें इसको सिर्फ फ्राई करना है। तेल मीडियम रखना है और हम गैस ऑन करते हैं। कर दिया। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसे फ्राई कर लेंगे। पहले हम प्याज के फिंगर्स तल लेते हैं, फिर आलू के तलेंगे। चलिए, हमारे फिंगर्स तैयार हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर में। अब हमें पोटैटो फिंगर्स इसमें डाल देते हैं। इन्हें सुनहरा होने तक चल लें। हमारे पोटैटो फिंगर्स भी तैयार हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। हम इन्हें प्लेट में सर्व करते हैं। ये हमने इसे सर्व कर दिया है प्लेट में। आप देख सकते हैं, आप इसे मेयोनीज या केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।